तो सीआईए मोहाली दे हाथ सफलता लगी है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो सीआईए ने हथियारों की खेप नू बरामद किया है। तुम दस दिए कि इस तो पहला सीआईए ने वड्डी गिणती विच गैंगस्टर नू फड़न दा काम किया। मोहाली पुलिस लगातार गैंगस्टर की सख्ती कर रही है। तो बीकेआई के चार संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए संचालकों तो विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं, जिन्होंने अदालत में पेश करने की तैयारी मोहाली पुलिस कर रही है। तो सीआईए स्टाफ के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने अतवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बीकेआई के चार संचालकों को अरेस्ट किया है। तो पंजाब दे विच टारगेटिंग किलिंग का खदशा सी कि टारगेट किलिंग की जानी सी। गिरफ्तार किए गए संचालकों तो विदेशी हथियारों की बरामदगी सीआईए मोहाली ने दिखाई है। तो थोड़ी देर में सीनियर ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर जा रहे हैं। मोहाली सीआईए को सफलता हाथ लगी है। तो सीआईए स्टाफ मोहाली को सफलता हाथ लगी है। पुलिस वालों एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया, जिस दे चार मैंबरों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब दे विच टारगेट किलिंग की जानी सी, कि लोग हिट लिस्ट ते सी, ये पुलिस ही ज़्यादा दस सकती है। उन्होंने सुरक्षा लैके पुलिस प्रबंध कर रही होएगी। तो पंजाब टारगेट किलिंग लैके बीकेआई के चार टैररिस्ट गिरफ्तार किए गए। तो गिरफ्तार किए गए संचालकों तो विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। तो ट्वीट पंजाब के डी जी पी ने किया। मनीष शंकर इससे ज़्यादा जानकारी दी सामने। मनीष की कुछ जानकारी है, किमें पुलिस को सूचना मिली सी? मोहाली सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहाली के कोई वड्डी वारदात को फिराक देने के इरादे नाल कोई चार तीन तो चार व्यक्ति घूम रहे हैं। उन्होंने जो मोहाली सीआईए स्टाफ को ट्रैप लगाया गया, तो ट्रैप के जो चार व्यक्ति ने गिरफ्तार कर ले गए। इन्हों को सोफिस्टिकेटेड जो हथियार ने ऑटोमैटिक पिस्टल्स वगैरह बरामद हुई हैं। तो बब्बर खालसा नाल रिलेटेड जोड़े दसे जे आतंकी गिरफ्तार किए गए दसे जा रहे हैं। जी जी कृष्ण मनीष, बहुत बड़ा सवाल है कि सोफिस्टिकेटेड इंपोर्टेड जो वैपन ने जिन्हों की कीमत 22 लाख तो 50 लाख के दरमियान होंगी है, तो पुलिस ने रूट क्लीयर करने की कोशिश की है कि आखिरकार इन्ना असला कितों रहा है, ज वाया पाकिस्तान वाया ड्रोन के जरिए यह साजिश सी? जी बिल्कुल, इस सूत्रों सू इस घटना बारे पता लगे कि उन्होंने वालों यही गल किया गया कि पाकिस्तान बेस्ड बब्बर खालसा जरा आतंकी संगठन है, उसके ही जो सरगना से चार जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। तो इन्हों का जो उसके संबंध में अच्छ एस पी मोहाली वालों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जल्द ही 12 बजे तो बाद वे खुलासे होने की उम्मीद है कि जोड़े आतंकी संगठन ने वह किमें संपर्क में आए या उन्होंने संपर्क किस तरह है, इन्हों के कि टारगेट किलिंग दी गई थी। मैक्सीम इन्हें टारगेट किलिंग से मोहाली के पंजाब का बहुत एक लीडर हिंदू लीडर है, एक वो टारगेट से, तो बाकी होर भी कई बिजनेसमैन इन्होंने टारगेट पर से जो इन्हों वालों मुढ़ली की पूछगिछ से सामने आया कि इन जोड़े है टारगेट इन्होंने रखे गए थे, इन्होंने दिए गए थे। उन्होंने लीडर उन्होंने लीडर का कतल करना से इन्हों वालों, तो पंजाब की अमन शांति भंग करने वास्ते पाकिस्तान तो इन्हों हथियार मुहैया करवाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने वास्ते।